दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आए हैं जामा मस्जिद, क्योंकि यहाँ पे आए हैं हम लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, बहुत बढ़िया इस समय यहाँ पे भीड़ चल रहा है। अच्छा था, आप लोगों को यहाँ पे चीज दिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आप लोग दोस्तों, आप लोग जैसे देख सकते हैं सामने जो है जामा मस्जिद है, बहुत बड़ा जामा, इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। यहाँ पे रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए आप देख सकते कितना लाया गया इसको यहाँ पे। हाँ, सामने जामा मस्जिद आप लोग वहाँ का दिख रहा है, पूरा जामा मस्जिद मार्केट है, जो कि इधर मार्केट चालू है। अभी मार्केट चालू नहीं हुआ है। ये वाला गली बहुत फेमस है, यहाँ बहुत सारा खाने पीने का शॉप है, बहुत सारा फेमस दुकान है, जो कि मोहब्बत शरबत वाला भी इधर इसी गली में है, वो भी बहुत फेमस है। अभी हम लोग इधर चल रहे हैं, हम लोग उधर का व्यू दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जामा मस्जिद जो है, पूरा व्यू आता है। तो हम एक नंबर गेट की तरफ हैं, यहाँ से लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। दीपक जी, कैसा लग रहा है मस्जिद घूमने का? भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जो आ सकते हैं आप लोग कभी भी आए यहाँ पे, जो भीड़ का एरिया है, खास करके फ्राइडे दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। फ्राइडे दिन तो पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता। हम आ चुके हैं मस्जिद सामने, जो जाम मीना बाजार लगता है वहाँ पे। अभी हम लोग इधर से रोड क्रॉस कर रहे हैं, उधर से हम अभी हैं जामा मस्जिद के जो मीना बाजार सामने लगता है उस गली में हूँ। यहाँ पे बहुत भीड़ होता है इस मार्केट में, यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारा फेमस है। यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना बेहतरीन व्यू आता है। हम लोग और आगे चले, आप लोग वो दिखाने वाला हूँ अभी, बेहतरीन जो है वहाँ पे। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं जो यहाँ का मार्केट है, बहुत फेमस मार्केट है ये वाला। सामने गेट नंबर 2 है जामा मस्जिद का। अभी हम लोग इधर से चल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मीना बाजार के मार्केट में। पूरा बेहतरीन मार्केट है, दोपहर का टाइम है, धूप बहुत सारा निकला हुआ है। यहाँ पे आ चुके हैं मीना बाजार के सेंटर में, गेट नंबर 2 सामने मस्जिद के। यहाँ पे जो पे अभी आप लोग दिखा रहा हूँ, जो बैक कैमरा से व्यू है जो है यहाँ ऊपर से, आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो टॉप पे है, ऊपर पे है मीना बाजार का, जो नीचे का पूरा मार्केट दिख रहा है, यहाँ से पूरा बेहतरीन व्यू आ रहा है। अभी हम लोग और चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं क्या क्या मिल सकता है। आप देख सकते हैं ज्वेलरी का जो प्रोडक्ट है कितना बेहतरीन है, यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, यहाँ पे बहुत फैंसी डिज़ाइन का जो है यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। देख सकते हैं सामने जो है डेकोरेशन, घर को सजाने के लिए डेकोरेशन का सामान बहुत सारा रखा है, बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। अब ऐसे ही पूरा यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है डेकोरेशन का है, मिलता है बहुत सारा प्रोडक्ट, मिले कपड़ा भी मिलता है। जैसे आप लोगों को अभी दिखा जो ज्वेलरी का भी, यहाँ पे आप लोग डेकोरेशन का दिख रहा है कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों का खिलौने का भी मिलेगा बहुत सारा, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन सुपर मार्केट है ये। तो हम लोग अभी नीचे चल रहे हैं, यहाँ पे नीचे से आप लोग दिखा रहे हैं व्यू जो है मार्केट का, वहाँ पर ले चलता हूँ हम लोगों को शाम जो है। उधर इस साइड से चल रहे हैं, इस साइड भी बहुत, आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन आप लोग मिल जाएगा सामान खरीदने के लिए। यहाँ पे जो है हम जो मीना बाजार है, वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। आप लोग उससे पहले कभी भी और एनी टाइम खुला रहता है, 7 के 7 दिन ऑन रहता है यहाँ पे, कभी भी आ सकते हैं आप लेने के लिए। कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि जो किसी एक सप्ताह खुलता हो, नहीं, ये 24/7 रहता है, ये 7 के 7 दिन ऑन रहता है, कोई दिन नहीं बंद रहता, 7 के 7 दिन ऑन रहता है। लेकिन टाइमिंग जो है 10 बजे से लेकर 6 बजे, शाम को 6 बजे तक चालू होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सूट है, अगर आप लोग जैसे कुकर है, सिवाई बनाने वाली जो मशीन है, बहुत सारी हैं यहाँ पे, बहुत सारा है यहाँ पे। देख सकते हैं जो सिवाई बनाने वाली मशीन होती है, और बहुत सारा यहाँ पे है जो सिवाई बनाने वाली मशीन होती है। अभी हम इधर आ चुके हैं, हम लोग और दिखने वाले आप लोगों को, तो जस्ट अभी हम अपोजिट साइड आ चुके हैं यहाँ से। आप लोग यहाँ मस्जिद के सामने आए, मीना बाजार से बाहर आके हम लोग मस्जिद के सामने आ चुके हैं। जो गली में बोला था आप लोगों को, उस गली में ले जाने वाला हूँ, जहाँ की फेमस जो दुकान है खाने का, उधर आप लोग जा सकते हैं। अब
हम उस गली में जा रहे हैं जिस गली में आपने बताया। जैसे आप देख सकते हैं ये भी गली पूरा डेकोरेशन किया गया है, पूरा सजाया गया है इसको भी बहुत बेहतरीन से। जैसे देख सकते हैं जो गली आप लोग बताते उस गली में जा रहा हूँ, वो भी गली बहुत सजाया गया, आप लोग ऊपर से देख सकते हैं डेकोरेशन किया गया है। अभी हम आप लोग यहाँ का व्यू दिखाने वाला हूँ। इस गली का जो व्यू है सबसे ज़्यादा जो फेमस है यहाँ का खाने पीने का चीज़ फेमस है। यहाँ पे नॉनवेज जो खाने का है सबसे ज़्यादा उसके लिए फेमस है, क्योंकि इस गली में जो है पूरा नॉनवेज का ही दुकान मिलेगा। देखिए बहुत फेमस दुकान है। रमजान का महीना चल रहा है, सेवैया का भीड़ लगा पड़ा है। सेवैया का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेवैया है पूरा यहाँ पे रखा पड़ा है। अभी हम लोग जिधर जाओगे उधर ही यही मिलेगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं खाने पीने का कितना फूड फेमस है। इस गली में जो सबसे ज़्यादा आने वाले हैं आते हैं सबसे ज़्यादा है खाने पीने के लिए ही आते हैं, क्योंकि जो पूरा जामा मस्जिद का एरिया है उस सबसे ज़्यादा जो खाने का फेमस गली है वो यही गली है खाने पीने के मामले में। तो यहाँ पे जो भीड़ होता ही है, लेकिन जो खाने के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर भी आके अपना वीडियो शूट करके जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फूड ब्लॉगर होते हैं वो भी आते रहते हैं यहाँ पे तो हर दुकान पे, क्योंकि जो इसलिए तो फेमस है खाने के लिए, इसलिए फूड ब्लॉगर तो आएंगे ही, क्योंकि उनका तो फूड का काम ही है। आप लोगों को जो ये गली है फूड का, एक फूड गली के नाम से भी जाना जाता है, जामा मस्जिद का फूड गली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है अभी आप लोग को आने के लिए रमजान का महीना चला, अगर अच्छा टेस्टिंग खाना चाहिए आप लोग इस गली में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अभी मैं अपना वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखें तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।